मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, अजय भट्ट जी, कौशल किशोर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज़ादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटमेंट से ही चल रहा था। ऐसे हटमेंट्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटमेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भलीभांति जानते हैं। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटमेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे,
वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है, 7000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है, और मैं आज देशवासियों के सामने मेरे मन में जो मंथन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया, और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दफ्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है, और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को। साथियों, ये जो निर्माण कार्य हुआ है, कामकाज के साथ साथ यहां आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं, जो जवान 24/7 महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं उनके लिए जरूरी आवास, किचन, मैस, इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, इन सब का भी निर्माण किया गया है। देश भर से जो हजारों रिटायर्ड सैनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं, उनको भी, अब उनके उम्र के एक स्थिति पर वो पहुंचे हैं, उनका भी विशेष ख्याल रखना, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचित कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है। एक अच्छी बात यह भी है, जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इको फ्रेंडली है, और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है, जो उसकी एक पहचान है, उसको बरकरार रखा गया है, उसको बनाए रखा गया है। भारत के कलाकारों की आकर्षक कलाकृतियों को, आत्मनिर्भर भारत के प्रतीकों को
यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है, यानी दिल्ली की जीवंतता और यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता का आधुनिक स्वरूप यहां हर कोई अनुभव करेगा। साथियों, दिल्ली को भारत की राजधानी बने 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 100 वर्ष से अधिक के इस कालखंड में यहां की आबादी और अन्य परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। साथियों, राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो। इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया, वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन, डिकना फलाना न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी,
कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी अधिकारी, ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है, लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था, जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया नशान थे, उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, पूरा देश उनको बधाई देता है, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। ये दिखाता है कि जब नीति और नियत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। साथियों, आज कंस्ट्रक्शन में जो तेजी दिख रही है, उसमें नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की भी बड़ी भूमिका है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी पारंपरिक आरसीसी निर्माण के बजाय लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक का उपयोग किया गया है। नई तकनीक के चलते ये भवन आग और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्षित है। इन नए परिसरों के बनने से दर्जनों एकड़ में फैले पुराने हटमेंट्स के रखरखाव में जो खर्च हर वर्ष करना पड़ता था, उसकी भी बचत होगी। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भी स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। देश के 6 शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इस सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म करना है, वो नई टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग से ही संभव है। साथियों, ये जो डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ये वर्क कल्चर में आए एक और बदलाव और सरकार की प्राथमिकता का प्रतिबिंब है। ये प्राथमिकता है उपलब्ध लैंड का सदुपयोग, और सिर्फ लैंड ही नहीं, हमारा ये विश्वास है और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अनाप शनाप ऐसी संपदा की बर्बादी अब देश के लिए उचित नहीं है, और इसी सोच के परिणाम स्वरूप सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जो जमीनें हैं, उनके प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा रहा है। ये जो नए परिसर बनाए गए हैं, वो लगभग 13 एकड़ भूमि में बने हैं। देशवासी आज जब ये सुनेंगे,
जो लोग दिन रात हमारे हर काम की आलोचना करते हैं, उनको जरा उनका चेहरा सामने रख करके इन चीजों को सुने देशवासी। दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण जगह पर 62 एकड़ भूमि में, राजधानी के अंदर 62 एकड़ भूमि में इतनी विशाल जगह पर ये जो हटमेंट्स बने हुए थे उसको वहां से हमने शिफ्ट किया और उत्तम प्रकार की आधुनिक व्यवस्था सिर्फ 13 एकड़ भूमि में, 13 एकड़ भूमि में निर्माण हो गई। देश की संपत्ति का कितना बड़ा सदुपयोग होगा, यानी इतनी बड़ी और आधुनिक सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले लगभग 5 गुना कम भूमि का उपयोग हुआ है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 सालों में नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का ये मिशन सबके प्रयास से ही संभव है। सरकारी व्यवस्था की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का जो बीड़ा आज देश ने उठाया है, यहां बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, उस संकल्प को साकार करने का विश्वास जगा रहे हैं। कॉमन केंद्रीय सचिवालय हो, कनेक्टेड कॉन्फ्रेंस हॉल हो, मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सुलभ कनेक्टिविटी हो, ये सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। हम सभी अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करें, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर।